नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। लगातार फरीदाबाद में वार्डबंदी को लेकर आरोप लग रहे हैं सत्ताधारियों पर। आरोप ये लग रहा है कि जो वार्डबंदी हुई है उसे सत्ता का दुरुपयोग करके बनाया गया है। आरोप ये भी लग रहा है कि सत्ता का दुरुपयोग इस प्रकार से किया गया है कि जिस पार्षद को जीतना है अपने वार्ड से, उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, उसमें विश्लेषण न करते हुए मान लिया गया। ऐसे कई सारे आरोप सत्ताधारियों पर लग रहे हैं कि जो वार्डबंदी हुई है इस पर सामाजिक संगठन आक्रोशित है। जनता सड़क पर आंदोलन कर रही है, तख्तियां लगाकर टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए आंदोलन को एक रूप दे रही है। लेकिन उससे पहले समझिए कि आखिर सत्ता का दुरुपयोग का जो आरोप है उसमें कितनी सत्यता है। आपको बता दें कि ये जो 5 लोगों की कमेटी बनी थी वार्डबंदी के निर्माण के लिए, जो वार्डबंदी पहले 40 थी, जो पहले वार्ड नगर निगम में 40 वार्ड थे, अब उसे 45 वार्ड कर दिया गया है। इस पूरे वार्डबंदी के निर्माण में 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी। सत्ता का दुरुपयोग का आरोप यहीं से शुरू हो जाता है। वो 5 लोग कौन है जरा समझिए। धनेश अतलखा, सुमन बाला, कविंद्र चौधरी, उमा सैनी और एक और नाम मनोज नासवा। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई गई। इन्हें जिम्मेदारी दिया गया कि ये जो वार्ड है जनसंख्या के आधार पर, और जहाँ पर वार्ड में जनसंख्या कैसी है, शेड्यूल कास्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, ये सारा कुछ तय करते हुए वार्डबंदी तय की जाए। पहले 40 थी जनसंख्या के आधार पर और वहाँ के भौगोलिक स्थिति के अनुसार उसे वार्ड अब 40 से 45 में तब्दील कर दिया गया है। अब वार्ड चूँकि 40 से 45 हो गए हैं, लेकिन क्या हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट का प्रयोग किया गया है? उन सारे नियमों को लगाया गया, उन सारे नियमों को ध्यान में रखा गया, फिर वार्डबंदी की गई? क्या ऐसा है? अगर हम इस पर विश्लेषण करें तो दूसरी तरफ सामाजिक संगठन मैदान पर उतर चुके हैं और वो आंदोलन कर रहे हैं। वो आरोप सीधे तौर पर सत्ताधारियों पर लगा रहे हैं कि पार्षद कैसे अपने वार्ड को जीत, वार्ड में जीत सुनिश्चित करे, इस आधार पर वार्डबंदी तय कर दी गई है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन मैदान पर उतरे। लेकिन इस बीच में एक और बात समझ लीजिए, सलाहकार के रूप में पूर्व रिटायर्ड रवि सिंगला, जो नगर निगम के ही अधिकारी थे पहले, उन्हें वापस बुलाया गया। रिटायर्ड होने के बाद भी उन्हें बुलाया गया और उन्हें सलाह ली गई कि आप आइए गद्दी पे, फिर से बैठिए और सलाहकार के रूप में सलाह दीजिए कि आखिर किस प्रकार वार्डबंदी की जाए। और रवि सिंगला जी बैठे, उन्होंने सलाह भी दी। इस पूरे माहौल के बीच में बता दें कि इससे पहले जो पहले 5 नाम मैंने, धनेश अदलखा, सुबन बाला, कविंद्र चौधरी, मनोज नासवा और उमा सैनी के नाम जो गिनाए, इन पर इससे पहले भी कई ऐसे आरोप लगे जो संदेह के घेरे में रहे। आरोप लगे, हालांकि राजनीति में आरोप लगना और लगने के बाद हटना ये आम बात होती है, लेकिन आरोप लगते रहे। अब सत्ताधारियों पर जिम्मेदारी पार्षदों को जिताने वाले वार्ड निर्माण की भी थी, ऐसा कहा जा रहा है जनता के तरफ से, उन लोगों के तरफ से जो लगातार आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप कौन कौन लगा रहा है जरा इस बात को समझिए। कौन से सामाजिक संगठन हैं जो मैदान पर उतरे, कौन से सामाजिक संगठन हैं जो तख्तियां लेकर टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? वार्डबंदी को लेकर एक संगठन तैयार हुआ, जिस संगठन का वार्डबंदी के खिलाफ एक मोर्चा ही तैयार कर दिया गया, उसमें कई सारे सामाजिक संगठन शरीक हुए। इस पूरे वार्डबंदी के खिलाफ जो लोग हैं उनमें समझिए, भाटिया सेवक समाज के मोहन सिंह भाटिया, जन सहयोग के प्रधान ओम प्रकाश चुग, सेव फरीदाबाद के पारस भरद्वाज, एनआईटी आरडब्ल्यू के फेडरेशन के अध्यक्ष यशपाल जय सिंह, बन्नूलाल संगठन के वेद भाटिया, राजेश भाटिया व शहर के अन्य कई सारे गणमान्य इस पूरे विरोध में शामिल हुए। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख सकते हैं कि उन्हीं लोगों का आक्रोश है। इसके अलावा लगातार इन्होंने पत्राचार करते हुए आरोप भी लगाए और इस पूरे वार्डबंदी को पुनः विचार करके ठीक करने की बात कही जा रही है। हालांकि अभी आपत्ति का दिन अभी गया नहीं है, लगातार आपत्ति लग रही है, लेकिन जो वार्डबंदी तैयार की गई उसमें गड़बड़ियां क्या हैं जरा वो समझिए। उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो इससे पहले नेबरहुड 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर था फरीदाबाद में, जिसमें अब उसे जहाँ पर पाकिस्तान से विस्थापित हुए हुए लोग रहते थे वहाँ पर अब उसे हटाकर जवाहर कॉलोनी जैसे इलाके को नेबरहुड में डाल दिया गया है। ऐसे में उनका हक और अधिकार, जो वाकई में पाकिस्तान से विस्थापित लोग यहाँ पर आकर बसे थे, उन पर एक प्रकार से अत्याचार है, उनका ये हक छीनना हुआ, जिसके लिए भी जनता ज़्यादा आक्रोश हो रही है। इसके अलावा एक प्रमुख बात, गलियों में भी वार्ड बांट दिए गए हैं। वार्ड नंबर 11 जो पहले था, वार्ड नंबर बदल दिया गया है। उस वार्ड में जिस प्रकार से रिजर्वेशन
और जिस प्रकार से वहाँ पर तय किए गए हैं परिसीमन, सड़कें तय की गई हैं, ब्लॉक तय किए गए हैं, उस पर भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि मनोज नाथवा स्वयं अपने वार्ड को किस प्रकार जीत के लिए सुनिश्चित किया जाए इसको लेकर ललायित थे, उसके आधार पर ही उन्होंने वार्ड के परिसीमन पर जोर दिया। हालांकि ये माना जाता है कि सत्ताधारी हमेशा ऐसे परिसीमन पर इसी तरह से बुद्धि लगाते हैं ताकि उनके पार्षद अधिक से अधिक जीते और फिर से उनका मेयर बैठे। ऐसे ही जो लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है उसके ही विरोध में जनता आक्रोशित है। अब देखना ये होगा कि लगातार जो आरोप लग रहे हैं उस पर कितना प्रशासन काम करता है, जनता को कितना न्याय मिलता है, और जो 5 लोगों पर आरोप लगा है उसकी कितनी सत्यता है, और वाकई में ये जो परिसीमन हुआ है इस पर संशोधन होगा या नहीं होगा, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। एंटी करप्शन न्यूज़ क्रिम सचिन दीक्षित, फरीदाबाद।